योगी सरकार की सख्ती के बावजूद भी ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत के चलते सरकार की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं गांव तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रही हैं। गांव बदहाली के आंसू रो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण भी हुआ है लेकिन आधा अधूरा, और अब ग्रामीणों से आवास के नाम पर कैसे हड़पे जा रहे हैं पैसे। ये पूरा मामला जनपद मुरादाबाद के गांव खानपुरा का है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत के चलते ग्राम पंचायत में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। ग्राम प्रधान ने आवास के नाम पर किसी से 2000 तो किसी से 10000 और किसी से 15000 वसूले हैं। पैसे देने के बावजूद भी ग्रामीणों को आवास नहीं मिला और छप्पर के नीचे रहने को मजबूर है। और में कोई दूसरे गांव के कोई प्रैक्टिशनर हैं अनऑथराइज, वो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ। उन्होंने वहाँ के लोगों को प्रलोभन दे के या कुछ लाभ की संभावना लगा के ना उनको बिना बताए उनके हस्ताक्षर करा लिए हैं और उनके ब्याह पे उन्होंने शिकायत की है। ग्रामीणों ने तो आरोप लगाया कि ऐसा कुछ नहीं है, जब वो आदमी हमारी मदद करते हैं हमेशा और इसी कारण उन्होंने मदद करी थी और सब पुलिस ने पकड़ लिया। मेरे सामने किसी ग्रामीण ने यह आरोप नहीं लगाया कि हमको कोई परेशानी है। हाँ, सफाई कर्मचारी की जरूर बात आई थी, वो उसका स्थानांतरण हो गया है, उसकी जगह कोई दूसरा अभी स्थान प्रतिस्थापित नहीं किया है वहाँ, जो कि जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से होता है। मैं यहाँ से उस संबंध में एक पत्र जारी करवा दूंगा कि वहाँ कोई सफाई कर्मचारी की नियुक्ति। जैसे ग्रामीणों ने कुछ आरोप भी लगाया कि ग्राम प्रधान द्वारा हमारे से पैसे लिए गए आवास के नाम पर, नहीं तो हमें पैसे मिले, नहीं कोई आवास का। नहीं 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 नहीं, पैसे का अभी तो कोई आवास, अभी सैक सूची 2011 की के आधार पर आवास बन रहे हैं। मैं जो अभी कितना एक आवास बन रहा है, कितना बन रहा है, एक आवास बन रहे हैं। एक आवास के पास मैं गया था, कोई ऐसी शिकायत नहीं कि मुझसे प्रधान ने पैसा लिया है, क्योंकि पैसा सीधा FMS डोंगल के द्वारा उनके खाते में जाता है। अगर कोई पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी या उच्च अधिकारियों से करनी चाहिए। उन्होंने नहीं की है और पैसा किसी को दिया है तो ये कोई हमारे पास कोई शिकायत नहीं। ग्रामीणों को बताया कि पिछले ग्रामीण तो कुछ भी बता सकते हैं, अभी हमको किसी ने नहीं बताया, ना ग्रामीण ने बताया ना किसी। पिछली बार कोई शिकायत करी थी उन्होंने अधिकारियों से? पिछली बार की मुझे नहीं जानकारी है अभी। गाँव से लेकर ढाके तक मंदिर है हमारे यहाँ, 2 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ पर हमें सड़क डलवानी है। तो किसी भी नेता ने अभी तक यहाँ के ना, यहाँ किसी नेता ने आज तक नहीं देखा। क्यों आते हैं? नहीं आते हैं वोट लेने, वोट लेने आते हैं लेकिन उसके बाद नहीं आते हैं वोट लेने के बाद। तो अब क्या आपने ठाना है अपने मन में? अब हमने ठाना है कि ये रोड पड़ेगा तभी वोट करेंगे, वरना वोट नहीं करेंगे। अच्छा, कैसे कहाँ को जाता है ये रास्ता? चंदौसी को जा रहा है। कहाँ से? हमारे गांव से खानपुर से चंदौसी को निकला। 10000 रुपए लाए। 10000। क्या नाम ग्राम प्रधान का? धर्मवीर प्रधान। क्यों दिए थे आपने पैसे? बन जाई तो अच्छी है, सबकी आ रही है तो लालच में दे दे। कहाँ से दिए थे आपने 10000 रुपए? उनके लड़का कमा रहा है ना। हमारा एक लड़का कमा रहा है, वो तो हमने बाकी लेकर दे। कितने दिन हो गए? है गई देखो 2 साल है गई। आवाज नहीं बना, शिकायत क्यों नहीं करी अब तक? जो कह रहा है कि अब का आवे ही ऐसे कह रहे हैं और आई ना सबकी आएगी। कहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं होता है कि हाँ कॉलोनी के टाइम वो करी सो उन्होंने 2000 रुपया लेकर वो चले गए प्रधान जी। किसने लिए 2000 रुपये? प्रधान जी ने लाए। क्या नाम है? धर्मवीर। किस बात के लिए थे? कॉलोनी का हम बढ़िया जहाँ झूठा दिल्ली में बढ़िया देखी हो, जहाँ परेशानी ज्यादा है हमें तो जब हमें सुविधा ही ना आया रहने को ठिकाना ना हमारे भैया, तुम आखिर तक देख लियो, सुनी मत मानो का होगी। और जो परेशान ज्यादा है कच्चा शौचालय नहीं बना? ना क्यों नहीं बना? ये प्रधानी कमी है कच्चा, क्या खराब है वो पानी को जहाँ तक फेंकते हैं? कितने दूर चलाना पड़ता है पानी और कितने समय से खराब है? बहुत दूर जाने का तो है। कितने समय से खराब है? हैगा 4-5 महीना हैगा। किसी ने सुनवाई नहीं? ना ना कोई ना सुनवाई। शिकायत की आपने?
हमारे लिए पानी पीने की है, जो कि 500 की आबादी में हमारे गांव में एक ही नाला हो हमारे हमारे इधर मोहल्ले में, और वो भी हैंडपम्प खराब पड़ा है, और साफ सफाई भी हमारे गांव में ना कर्मचारी लगा हुआ है, वो लगा हुआ है वो हट गया है।